नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर भवन में मची भगदड़ में करीब 12 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना में करीब 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है और माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में हालात सामान्य होने पर यात्रा बहाल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कटरा स्थित भवन क्षेत्र में घटना रात करीब 2:45 की है। गेट नंबर 3 के पास यह हादसा हुआ था। नए साल के मौके पर शाम से ही मंदिर में भारी संख्या में लोग जुटने लगे थे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भवन क्षेत्र में ऐसी भगदड़ कैसे मची, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक भवन क्षेत्र में दर्शन के लिए पहुंचे कुछ लोगों में आपस में बहस हो गई थी, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते हुए हालात बिगड़ गए और भगदड़ मच गई। वहीं गाजियाबाद से पहुंचे एक चश्मदीद ने बताया कि माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में कुछ लोग दर्शन करके वहीं रुक गए, जिससे वहां मास गैदरिंग हो गई और लोगों को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी सी जगह में बड़ी संख्या में लोग आ और जा रहे थे। इस खौफनाक मंजर को बताने वाले चश्मदीद ने भी अपने एक कार को इस भगदड़ में खो दिया, जबकि एक उसके जानने वाले के हाथ में फ्रैक्चर है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।